कर दिया आपने? पार्ट टाइम जॉब? ओए 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 ओए, ईद ईद ईद, पॉकेट मनी मिल रही है, ईद ईद ईद। हाँ, पॉकेट मनी मोहम्मद की तो मम्मा को मिलेगी, मोहम्मद की मम्मा को मिलेगी। मम्मा अपने हिसाब से खर्च करेंगी मोहम्मद के ऊपर। हाँ अच्छा ठीक है, वहाँ पे भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो पॉकेट मनी इस टाइम इस दफ़ा ये जो अपने माइंड से यूज़ करेंगी वो सारी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये अपनी पॉकेट मनी से क्या क्या लेती हैं और कैसे यूज़ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, हम लोग अभी जा रहे हैं, सबसे पहले तो खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, दो तीन लोकेशन है हमारे जाना है, और आज बहुत मज़ा आने वाले हैं, करने वाले हैं, खूब इंजॉय, और आप लोगों के साथ करेंगे शेयर हर लोकेशन और अपनी इंजॉयमेंट। हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने, अपना फेवरेट अल सऊदी। दो हैं, देखो बता दो, ये मतामल रुकन सऊदी है और ये सऊदी, हम जाते हैं अल सऊदी। हाँ, हम वो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ना बोर्ड, हम यहाँ जाते हैं जो सऊदी वो बुर वतनी है, जो चावल होते हैं। लोकेशन डाल दीजिएगा ना, तो इसकी जिस जिस लोकेशन पे जाएंगे लोकेशन डाल देंगे। और यहाँ के जो राइस हैं चावल मुर्गी बहुत मजे के होते हैं, आप लोग जरूर टेस्ट कीजिएगा। भूख लग रही है, और मोहम्मद ने अपने बैग में सारी कार्स रखी हुई हैं, अपनी कार्स। मम्मा ने तरीका बताया, हाथ में लेके चलते थे, मैंने इनको कहा अपने बैग में डाल के चलो, फिर गाड़ी में गिर जाती थी, फिर इन ढूंढते थे। अच्छा जी यहाँ जब हम लिफ्ट से निकलते हैं, सामने इन्होंने वेलकम के लिए गावा और शाही रखी हुई है, तो हम तो यहाँ दबा के पीते हैं भाई। तो जी अच्छा जी, आ गया है मेरा गावा, अब मैं पहले गावा एंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद खाना जब तक आता है। जी खाना आ चुका है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और इसकी खुशबू से तो और ज़्यादा भूख बढ़ गई है। अच्छा जी आदिल साहब बताइए, ये खाना हमारा पूरा कितने में आया है? 44 रियाल का टोटल खाना। और ये होमस में अलग से 10 साल हुआ है। अच्छा, ₹2 के, बाकी पेप्सी 2 मैंने, तो यानी ₹60 तक खाना है। ये हम आज जो है ना खाना ₹60 तक का खा रहे हैं, और ये सऊदी मतब में हैं हम लोग, और आइए और ज़रूर ये जो है ना आप लोग टेस्ट कीजिए, बहुत मज़े के चावल मुर्गी। और इसमें जो मज़े की बात है, ये इसके अंदर जो गार्लिक होता है और ये रेड चिली जो होती है, यम्मी, मज़ा आ गया। हम लोग आए हैं उतैम मॉल में बच्चों को लेके, बच्चों को मिली है पॉकेट मनी, तो बच्चों ने क्या सोचे हैं, आशा ने कहा है कि मुझे नेल पेंट करवाना है, नेल आर्ट करवाना है। आप लोगों के साथ भी सारे रेट्स और सारी चीज़ें शेयर करूंगी। लास्ट व्लॉग में मैंने ये दिखाया था किड्स सैलून, यहाँ आयशा को करवाना है नेल आर्ट, तो यहाँ देखते हैं रेट कितने हैं और नेल आर्ट इनका जो है ना आयशा का कैसे होता है। आओ, अच्छा नेल आर्ट की जो प्राइस है इनकी ₹69 है, और आयशा अपनी पॉकेट मनी से ये करवा रही हैं नेल आर्ट। इनाया ने और जैनब ने नहीं करवाना है, ये अपनी पॉकेट मनी से झूले लेंगी, और आयशा यहाँ यूज़ कर रही हैं। ठीक है, बाकी बच गए पैसे, वाह भी वाह। ये देखेगी इनका जो है ना कैलकुलेटर भी इनका पिंक कलर का रखा हुआ है, बच्चों की हर चीज़ खुश करने के लिए इन्होंने हर चीज़ बच्चों की रिलेटेड रखी हुई है। ये देखिए जी, ये अंदर से इन्होंने पॉलर बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत सा। ये देखिए जी, ये चेयर मैनीक्योर पेडीक्योर, ये देखिए जी,
इनाय। अच्छा जी, आयशा बैठ चुकी हैं। वाओ, ये तो आप लोगों को पता है नाजिया आदिल है। हाँ यानी ही अतिबा हाजिर किदा, वो कह रही है आपके नेल्स बड़े नहीं हैं, आपके स्मॉल हैं। अगर ये थोड़े से नेल्स बड़े होते ना आपके, तो ये आपके ऊपर अच्छा लगता है ये स्टाइल। सेम ये चीजें किधर? अच्छा आप बताओ, आपको सही है? हाँ ये सही है, बहुत अच्छा है। ये वो बनावे ना, पांडा बनावे ना? सही है। माफी है जी, लोन सारी बात माफी। अच्छा जी, ये जो सैलून है ये उतैम मॉल पे है, उतैम मॉल का सबको पता है, और फर्स्ट फ्लोर पे है, रेड टैग के बिल्कुल सामने। और जी इंस्टाग्राम पे भी आप इनकी आईडी ये सर्च करेंगे, किड्स सैलून के नाम से लिखेंगे, इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी, इनका फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, आप डिटेल इनसे पूछ सकते हैं कॉल पर। आयशा का शौक़ पूरा हो रहे हैं। आयशा का बहुत शौक़ हो रहा था, ये मम्मा भी कर सकती हैं लेकिन मम्मा के पास टाइम ही नहीं है। अहमद छोटे हैं, अहमद कुछ करने नहीं देते, वरना ये काम मैं खुद भी कर लूं। अच्छा जी, बच्चों से रिलेटेड सारी सर्विस यहाँ मौजूद है, हेयर कट हो, हेयर डाई हो, हॉट ऑयलिंग, बाल स्ट्रेट कराने हैं, प्रोटीन कराना है, बालों का हेयर स्टाइल कराना है, ब्लो ड्राई करानी है, मैनीक्योर पेडीक्योर कराना है, सारी बच्चों से रिलेटेड ही सर्विस हैं यहाँ पे। आप इनके नंबर पे कॉल करके आप इनसे रेट्स का पता कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है। ये सारे ग्लिटर हैं, कौन सा कलर चाहिए ग्लिटर में? ग्लिटर में पर्पल भी है, वाइट अच्छा नहीं लगेगा, और ये वाइट है, ये भी वाइट है, ये सही है, वाइट लगवाना है, ये सही है, पिंक पिंक लाला सुमित लाल। ओके, ये ग्लू लगाया है। वाह, खुश हो आप? अदील अदील कोई मौका नहीं जाने देगा इस तरह। थैंक यू। अच्छा जी, आयशा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आयशा ने करवा लिए अपने नेल्स, और मैं अभी जा रही हूँ रेड टेक में, क्योंकि मैं अपनी यहाँ से जाऊँगी अपने दोस्त के घर, तो उनकी जो है ना बेबी हुआ है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लूँगी, फिर उसके बाद जाएँगे इनाया को झूले झुलाने ऊपर, ठीक है? अच्छा जी, मॉल में ही रेड टैग मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा यहीं से ही मैं ड्रेस पकड़ लेती हूँ न्यू बॉर्न बेबी के। मुझे यहाँ पे इतने मज़े के लग रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और ये स्कार्फ हैं 32 रियाल के, डिफरेंट प्राइस हैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये कितना प्यारा स्कार्फ है, अगर ब्लैक अबाए पर पहना जाए VIP लगेगा। ये भी बहुत खूबसूरत स्कार्फ है, ये भी ब्लैक अबाए पर, मुझे वैसे भी टाइगर जो प्रिंट है मुझे बहुत पसंद है, टाइगर प्रिंट, ये 29 का है, एक बहुत खूबसूरत है। ज़ैनब, ज़ैनब की पॉकेट मनी और इनाया की पॉकेट मनी से ये लोग झूलेंगे झूले, और मोहम्मद की पॉकेट मनी से लिया जाएगा कार्ड, और इन्होंने अपनी पॉकेट मनी यहाँ यूज़ करनी है भाई जी।
आशा ही ना यहाँ बैठने लगी है, मैं सोच रही हूँ मैं भी बैठ जाऊँ। आप भी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं तो जा रही हूँ भाई। ये नादी साहब चली गई हैं बच्चों के साथ, वो सॉरी मैं बच्ची हूँ, और उनको ये नहीं पता ये पांच बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह माँ है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये नाजी आदी रूटीन में लोग कहाँ जा रही हैं? बाय। अच्छा जी, यहाँ मैं झूले पे तो बैठ गई थी लेकिन दिमाग इतना फ्रेश हो गया था, इतना मज़ा आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस झूले का, क्योंकि आशा नाय ने बोला कि मम्मा हम स्कूल की तरफ से आए थे तो हमारे साथ टीचर भी बैठी थी, आप भी चल के हमारे साथ बैठे, तो मैं बच्चों के साथ बैठ गई। मुझे तो बहुत पसंद हैं झूले, ख़तरनाक झूले जो उल्टे सीधे घूमते हों, मुझे इतने पसंद है। और शादी से पहले मैंने काफ़ी लिए, मैं जद्दा में शलाल है, मैंने काफ़ी वहाँ पे इन्जॉयमेंट की भी है, और इतना मज़ा आता है ना, मैं कहती हूँ कि इस तरह की इन्जॉयमेंट रखनी चाहिए और बच्चों के साथ कभी ख़ुद भी बच्चा बन जाना चाहिए। ये भी एक लाइफ का खुश रहने का एक अंदाज़ है, कभी कभी अपने बचपन में चले जाना चाहिए। बाय मोहम्मद, बाय जैनब, बाय। घूम रहे हैं अंदर, ड्यूटी स्टार्ट कर दिया आपने, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब झूलों की उन्होंने कहा चलो चलो चलो। मोहम्मद मोहम्मद, ये मोहम्मद मोहम्मद, आप नहीं बैठ रहे। अभी मेरा दिल जा रहा है जाने। ये तीनों बोल रही हैं कि मम्मा मम्मा बस इतना सा, बस इतना सा पैसे ख़त्म हो गए। मैंने कहा बेटा ऐसे ही होता है, पैसे आते हैं और चले जाते हैं, कम से कम इनको ये पता चल रहा है इन इस चीज़ से कि पैसों में कितनी वैल्यू है, कितने कैसे, कितने में क्या खर्च करना है, कितने में क्या लेना है, इसलिए हम इनके हिसाब से चलते हैं, जैसे ये बोलती हैं वैसे इनके पैसे यूज़ करवाते हैं ताकि इनको पता चले। तो देखो एक पहिए वाली साइकिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने एंजॉय किया, मज़ा आया, और बस थक भी चुके हैं,
और अभी यहाँ से हम जो है ना एक अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो वहाँ गपशप होगी, उसके बाद आराम से सुकून से घर जाएंगे। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।